अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत विराह गायक कलाकार चंद्रजीत यादव एंड पार्टी सुर संगम म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रतनपुरा मऊ के सौजन्य से प्रेमादरणीय रमाज्ञा कवि जी की देखरेख में और प्रेमादरणीय हमारे महेंद्र कवि जी की देखरेख में सहयोग से आप लोगन के बीच में एक क्रांतिकारी प्रसंग हम भेज रहल बानी आप लोगन के बीच में। आशा न बल्कि पूरा विश्वास बा कि आप लोग ए बिरहा के सुन के पसंद करो। चार लाइन भूमिका के अंदर कहना है मास्टर। तो झूमती है धरा झूमता है गगनी, और जिसने इतिहास में नाम अंकित किया, जो अमर हो गया सिच लहू से वतनी, और सौर्य गाथा शिखर तक बुलंदित किया, स्वतंत्रता संग्राम की आग में झोंक के, अरे अपने जीवन का जिसने यहूदी दिया, आज बंदन नमन उस महानायक का, सर हिमालय का जिसने न झुकने दिया। कौन अंदाज है मास्टर? अरे बाबा, तो काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में न काम कर दिए तो कहना है क्या? अरे इनकलाब की, अरे इनकलाब की गर्दिश में संघर्ष बना जीवन, चलो उठा तन मन, यहां से हमारे कहानी का शुरुआत हो गई। कहना है मास्टर कैसे? बागी बलिया फिर सपूतों की निशानी है,
पहचान मिला, तुर्की गांव नगर बलिया से पहचान मिला, महेंद्र मिश्र जिनका पुश्तैनी खानदान मिला। पिता श्री राम टहल माता गौरी देवी का, रहे के लौटले अनुराग समाज सेवी का। सया 3 वर्ष में पिता का सर से उठ गया, विक्षिप्त माँ का भी जीवन से मोह टूट गया। संतानहीन विधवा चाची जिनकी प्यारी है, स्नेह के गोद ले आंचल से सवारी है। ओ भीख लौटी माता पिता की दुलारी थी, ओ भीख लौटी माता पिता की दुलारी थी, बिलौजा मायके में जिनकी रही जिम्मेदारी थी। कहानी पर गौर करिहन, साफ शीशा जैसे झलक जाइए। बलिया जिला, जिला मुख्यालय से पश्चिमी छोर पर नगरा थाना अंतर्गत एगो तुर्की गांव पड़ेला। वही तुर्की गांव का रहे वाला राम टहल मिश्र, अर्धांगनी के नाम बतावल गेल गौरा देवी मालिक की गोद में एगो संतान दिहलन। लालन पालन करे लगली माई, समय बीते लगल, बड़ा प्यार का नाम ओ बचवा का महेंद्र रखलन। धीरे धीरे 3 साल बीतल हे बाबूजी, अजब 3 साल बीतल, मारे मालिक तेरी भी लीला गजब है। राम टहल मिश्र इस दुनिया को छोड़कर चल बसे बाबूजी, अनाथ हो गए महेंद्र, सर से पिता का साया उठ गया। माता गौरा देवी ये सदमा के बर्दाश्त ना कर पौली है बाबूजी। कुछ दिन के बाद वो भी इस दुनिया से चल बसी, महेंद्र अनाथ हो गए, माता पिता का साया सर से उठ गया। खास चाची रह लिए बाबूजी, एगो कहावत कह जला कभी जी, डूबते को तिनके का सहारा। चाची रहली देखली छोट बचवा के ये बाबूजी, अपनी आंचल में समेट ले ली, दुलार प्यार देवे लगली। समय बीतल, बिरह में गीत लग गेल मास्टर, हमार मास्टर बड़ी सुंदर गीत बजावत हुन। संतोष भैया केनो मेहरारू अपनी दुल्हा का बखान करथिया, ए बेरा चल गईली, देखा तोहरे नियर मरद रहे बड़ा मानत रहे मेहरारू। उ दुलहनिया नैहर गई अपनी सखी से बखान करत रहल, आई है कहले रहल का नहीं हर जाए के हम कैली तैयारिया, नहीं हर जाए के हम कैली तैयारिया, गाड़ी लेके अइले हमर भैया जाला। गाना की लाइन पर गौर रहे, नहीं हर लिया के चाची कैली पलानामा, नहीं हर लिया
अपने प्रॉपर्टी के वारिस बना लेती है, धीरे धीरे पालन पोषण करे लगली, समय बीते लगल, आ जब समय बीतल तब हिलका, अरे तपा के सातवीं तक शिक्षा रहल साहसिनी डर, पढ़े में कुसाग्र बुद्धि विद्या में प्रखर, मायके में निवास था, केवल मकान थी, सारा जगह जमीन बाग बगीचा त्रोल पांडे में रहल, समय बीतल बा बेलौझा का मकान छोड़ के अतरौल पांडे में आपके अपन निवास बना के रहे लगली, महेंद्र मिश्र भी आके रहे लगलन साथे साथे, समय बीतल उम्र बढ़ल, आज जब उम्र बढ़ल ये बाबूजी ए बीच में चाची भी है दुनिया के छोड़ के चल बसली, लेकिन वक्त बदल गया, हालात बदल गए, देश का हालात बदतर था, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तमाम क्रांतिकारी नौजवान देश की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय सन 1920 में ए बाबूजी महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रखे थे, आ जब आंदोलन चलौलन देश का रुख बदल गई लहल, आ का भई लहल, फिर हम एक लाइन गीत है मास्टर, कौन गीत है, गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रखे थे, तो कहना है क्या, अरे बाज गईल 1900, अरे बाज गईल 1900, अरे विश्व में मुनादी, अरे हमारा देशवा चाहे सबके आजादी, हमारा देशवा
अरे कैले आंदोलन मिलके सारे हिंदवासी, अरे संगवा में नेहरू सुभाष और गांधी। बाबूजी इधर महेंद्र मिश्र का भी उम्र 17 बरिस को हो गई ला। जब ये ना जवानी की आलम में देखे हैं ऐसा संग्राम देश अंग्रेजों के विरुद्ध खून खोल उठा। आज जब खून खोल उठा ले बाबूजी तक कैलन का विरह में गीत बदल गई। हल्का मचौले केनो देवर भौजाई के बीच के बात है। भौजैया तनी लड़ही रहल खोल के बतावा हो। अब हवा प्रदेश में कमा भौजैया तनी अपन मलिकाना चलावे लगल। रोज छोला चाट खाए आजा चोरी चोरी। छोटका भावा से रोहिना गई एक दिन अपने भैया के फोन लगा दिया कलश की ना ख्याल करब त घर बिगड़ जाये। आ का कहले रहल विरह में कहल गई मन में उमंग जगल बा। देश के प्रति भावना उजागर हो गई। अकेलन का अरे 17 की उमारिया क्रांति की लहरिया। संभाल लिए तक कहल गई अरे गौवा से साज चलली पीरावन की टोली। लाप
आया हो देखते आंदोलनवा नवाया महेंद्र मिश्र भी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। इधर से बलिया से चित्तू पांडे अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा तहलका मचाए पूरी ब्रिटिश प्रशासन को हिला कर रख दिए। जब प्रशासन हिलल तब हिलका टेरी के लाइन में बतावल गई। अरे तिरंगा लाल किला पर गड़ी और मोर रामा हो राम। अरे तिरंगा लाल किला पर गड़ी तो गुजे इनकलाब से धरती अंबर तारा यार हो तारा यार हो तारा मार। चारों तरफ इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय नारा गुजने लगा। विदेशिया के लाइन में बताओ लगे मास्टर कहना है कि गांधी असहयोग जिला सचिवालय घेरले अरे गर्दिस बवाल कईले ए भैया इनकलाब बोले लागल अरे सारा हिंदुस्तान। रहले 18 माह अरे जाके जिला जेलिया में अरे 1930 में अरे दोबारा गईले जे हाल खाना। कैले अगुआई चित्तू अरे पांड बलिया जिलावा के अरे 1942 में अरे हिलल प्रशासन कटले फरारी कुछ दी अरे जाई के महेंद्र मिश्री अरे बहराइच जिला में भोला अरे नाम से बीरना करेंगे। 1920 की लड़ाई में महेंद्र मिश्र अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते गिरफ्तार हो गए। 18 माह की कड़ी करवास काटने के बाद रिहा हुए। अरे बाबूजी धीरे धीरे 1930 आ गया। 1930 में भी दोबारा
जेल में जाना पड़ा महेंद्र मिश्र को। आज जब जेल से छूटे बाबूजी, फरारी का वक्त आ गया, फरारी काटने लगे अंग्रेजी प्रशासन से बचकर बहराइच जिला में जाकर रामपुरवा गांव में ये बाबूजी एगो पंडित जी के घरे अपन दिन बितावे लगलन। अपन नाम बदल के भोला नाम से अपन दिन बितावत हवन। इधर 1942 आ गया, बलिया से चित्तू पांडे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छिड़ दिए, पूरे ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिए। धीरे धीरे वक्त आ गया सन 1947 का, हमारा देश आजाद हो गया। आज जब हमारा देश आजाद भइले बाबूजी, उस समय का भाव लिखल कवि जी बिरहा में संकेत करत हवन का। मोही दगा देके, अरे नीर मोही दगा देके, अरे भागल रे नीर मोही दगा देके, जाति धर्म मजहब रिवाज हो, अरे एक बनाव मिलके सगरी समाज हो, आर्य समाज से नाता जोड़ लिए। आज जब आर्य समाज में जुड़ गएलन, ए लोगन के घूम घूम के उपदेश देवे लगलन, समझावे लगलन, बतावे लगलन। का संदेश रहल पहपट के लाइन में बतावल गए, अरे करो न अत्याचार, प्यार ममता दुलार ले दामन में, हम भारत के वासी एक समान प्यार। जनता का तू करो नहीं उपहास हो, वो अगर दम मानवता का, अरे पकड़ लो उसका हाथ हो, अरे मिटा के दिल का तू सारा अभिमान, प्यार ले दामन में, आज जिसको दुनिया कहती है भगवान, प्यार ले दामन में। बतावल गई
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र मिश्र का कुल आगे बढ़ा। तीन पुत्र हुए सुरेंद्र देवेंद्र द्विजेंद्र। पौत्र कुल आगे बढ़ा। तीसरी पीढ़ी में विनोद डब्बू मनोज विपिन अभिषेक जैनेन्द्र ज्ञानेन्द्र। इसी तरह बाबूजी परिवार आगे बढ़ता रहा। श्रद्धांजलि के रूप में कवि जी आखिरी कड़ी में लिखत हमन कहना है का स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, कहना है। 25 जनवरी 1965 में छोड़ वतन को अनुयायी शुभ चिंतक मित्र गाड़ी और कोटि नमन है उनको। बढ़ते पुत्र पिता के धर में ले उनका स्वाभिमान, जिनके स्वर से मिला जगत में एक अच्छी पहचान। जय जय हो भाव था। अंत तो गत्वा कहना है कवि का। राम ज्ञान निज कलमों से यह कृत कथा दर्शाए, चंद्रजीत बलिदानी धरती और एक ही राग सिखाए। अरे तिरंगा लाल किला परगरी, भैया तिरंगा लाल किला परगरी, तत्संग